तो दो कई हजार किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया, मोदी जी क्या जग मार रहे? अड्डानी अब्बानी चला रहे देश, क्या जग मार रहे हैं? मोदी जी खुद ने देश भेज दिया। इससे पहले नहीं था कुछ, नहीं आया कुछ राम मंदिर बनवाने के लिए। आज क्या कोई सोच सकता था? सपने में भी नहीं था, सपने में भी नहीं था जो वहाँ वो चीज उसने हकीकत कर दी हर चीज। अमरनाथ यात्रा में गया था, पहली बार भी गया था, पहली बार भी गाड़ी में बम ब्लास्ट हो गया था, बच गए थे। कांग्रेस कांग्रेस सरकार है जो सबको लेके चलती है, दंगा कराने वाली बीजेपी सरकार ही है। कैसा समझ का जो भी फैसला होता है उस वक्त अशोक जी मुंह चुप क्यों कर लेते हैं? पिछले साल की जोधपुर वाली बात चली, ईद का मौका था, तब शेखावत जी ने झगड़ा करवाया था यहाँ पे रात को। कैसे झगड़ा करवाया? कुछ चार पांच लड़का है, जे जे सिया नाम के नारे लग रहे थे वहाँ पे आए, मतलब वो झंडे वगैरह लगे होते हैं चौराहे, सर्कल से हटवा दिए। तिरंगा झंडा था उसको भी हटवा दिया सर्कल से बाद में उन्होंने, बीजेपी वालों ने, कि हमारे झंडा लगेगा यहाँ पे। अभी इलेक्शन आ रहे हैं और आएंगे, झुकेंगे, हाँ साहब हाथ जोड़ेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तुम्हारी ऐसी की तैसी जाओ पड़े रहो। तो ये कोई सरकार है? फलाना है डिमका तो वोट के टाइम पे तुम लेने आ जाते हो, जब तो हाथ जोड़ लेते हो, पाँव में पड़ जाते हो, और आज थोड़े से साइन करवाने हैं तो आज कोई है ही नहीं, पार्षद ही नहीं है, वो वहाँ गया, वो फलाना गया। अशोक जी वेरी गुड आदमी ने, अशोक जी के जो चमचे हैं वो खराब है। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स की चुनावी यात्रा जोधपुर ज़िले में पहुँच चुकी है और ये कुछ लोग हैं, बड़े दिलचस्प लोग हैं, इनसे बातचीत होगी, जानेंगे कि जोधपुर का मन क्या कह रहा है, सब क्या कह रहा है जोधपुर का मन। देखो सर ऐसी बात है, जोधपुर में सरदारपुरे से वन साइड अशोक जी निकलते हैं और अशोक जी ने बहुत अच्छा काम किया जोधपुर के लिए, बाकी बहुत सड़कें बनी हैं, बहुत हॉस्पिटल बनाया है, काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, जैसे तालाब था भाई जी का तालाब था उसको पार्क बनाया, ये यहाँ पे ये अपने यहाँ पे ये नया तालाब था उसको पार्क बनाया है, यहाँ पे पावटा पे हॉस्पिटल था उसको भी अच्छा बनाया है, बहुत काफ़ी अच्छा काम किया अशोक जी वेरी गुड आदमी ने, अशोक जी के जो चमचे हैं ना वो ख़राब है। बाकी अशोक जी कौन है? अशोक जी के चमचे, अशोक जी के मनीषानी से ये चमचे, ये जो खराब है ये मतलब माहौल बिगाड़ रहे। मनीषा पवार की बात आप कर रहे हैं? मनीषा पवार एकदम बकवास है, वन साइड हारेगी। तो फिर गहलोत कैसे जीतेंगे? गहलोत तो जीतेंगे वन साइड, आज गहलोत के सामने गहलोत विधायक जीत जाएंगे, सरकार हार जाएगी। हाँ सरकार हारेगी, मतलब सरकार राजस्थान में किसकी आएगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा गहलोत रिपीट नहीं कर पाएंगे? गहलोत रिपीट नहीं कर पाएंगे। हाँ आपको क्या लगता है सर? भैया ये सच है जो इसने कहा भैया ने, देखो गहलोत की सरकार अब की बात जो ये अब जो दंगे हर चौराहे पे दंगे प्रसाद जो भी हो ना सब ये कांग्रेस के पेपर लीक वगैरह हर चीज में गलत ही रही ये सरकार। अब कहीं भी जाओ ये मोबाइल लेके ये खर्चे वगैरह बिजली बिल का बोल के, बिजली बिल अभी कितने महंगे हुए आपको खुद को ध्यान है? बिजली माफ और बिल आ रहे लोगों के घर में 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार, लोग परेशान हो रहे पता ही नहीं कहाँ से आ रहे ये बिल, लट्टू लगाया एक बिल आया 8 हज़ार, लट्टू लगाया दो बिल आया 12 हज़ार, पता ही नहीं गरीबी इतनी। और अशोक जी बोले ये करेंगे, वो राशन में बोल के किट हल्दी, वो हल्दी की जगह ईटे का पाउडर दे रहे हैं। ये देखो ये सरकार ये खरीदने की सरकार को ये सीटें बांटने कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 100% बीजेपी सरकार है हमारी तरफ से। तो कहीं से भी आप पूछ, आपको क्या लगता है सर? अपन तो बीजेपी हैं सर। आप बीजेपी हैं? आप ही बीजेपी हैं? बीजेपी हैं हम तो, बीजेपी को देते हैं सरकारी वोट, बीजेपी को देते हैं। क्यों देते हैं बीजेपी को वोट? हमें अच्छा लगती है। क्यों अच्छी लगती है? हर काम अच्छा होता है उनका। कौन सा काम अच्छा होता है? कोई भी, मुझे तो मालूम नहीं पड़ता इतना, पर काम अच्छा होता है। आप कह रहे हर काम अच्छा होता है, कौन सा काम अच्छा होता है? कोई भी। कोई भी मतलब क्या? जैसे बीजेपी का काम होता है ना, जैसे अंगूठा लगाया अपने, पहले कांग्रेस सरकार के अंदर अंगूठा नहीं लगाते थे अपन, कोई भी अपने राशन से धान लेकर जाते थे, अब अपन अंगूठा लगाना पड़ता है, अपन को खुद को जाना पड़ता है राशन की दुकान पे अंगूठा लगाने। ये काम पे हो तो अंगूठा कौन लगाए? धान के अंचल कौन लेके आएगा? अपन को खुद को लाना पड़ेगा। ये अच्छी बात होती है बीजेपी की। और इसके अलावा ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी बीजेपी की, और समर्थन है जो बीजेपी सरकार है ना अभी उसके अंदर अपन खुश है। कौन सी बीजेपी सरकार? देश वाली मान लो आप, कौन सी भी मान लो, बोली नरेंद्र मोदी। राजस्थान में तो गहलोत की सरकार है। राजस्थान में तो हम तो बीजेपी को देते हैं वोट, सरकार मिली किसी की भी हो। तो अशोक जी ने ऐसा कौन सा काम किया आप खुद बता दो। आप खुद बता दो ना। अरे मुझे क्या पता, मैं तो आप लोग बताओगे, आप यहाँ के आदमी हो, हमारे थोड़ी है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ ना, मुझे बीजेपी अच्छी लगती है। हाँ तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि लोगों को बीजेपी अगर अच्छी लग रही है या कांग्रेस अच्छी लग रही है तो क्यों लग रही है, क्यों अच्छी लगती है? कुछ काम अच्छे किए? कुछ कौन से काम है? सब काम अच्छे किए हैं। सब कौन से? खराब कौन से किए? अच्छा अरे हमसे पूछ रहे आप, फिर आपको क्या अच्छा लगा? मुझे गलत नहीं किया ना,
हर काम अच्छा किया। जैसे बैंक के अंदर कोई भी काम होता है तो अपन को खुद को जाना पड़ता है, नहीं तो किसी को भेज दिए, साइन कर दिए, पेपर ले गए तो बैंक के अंदर भी वो काम हो जाता अपना। बैंक में तो पहले भी खुद ही जाना पड़ता था, जाना पड़ता सर, पहले खुद अपन भेजते थे ना बने तो हो जाता था काम। आपकी चलती होगी साहब बैंकों में होती है सर, मैं सही कह रहा हूँ, यही बात कह रहा हूँ। मतलब इसको मोटे तौर पर कहे तो करप्शन नहीं होता है, इसके अंदर कोई करप्शन नहीं होता है। और इसके अलावा, इसके अलावा बीजेपी मुझे अच्छी लगती है भैया। अच्छा, काम वगैरह का छोड़िए, बस अच्छी लगती है बीजेपी। अच्छी वाली चीज होती है कि किसी पे उसे प्यार हो गया तो हो गया, फिर उसके गुण क्या, आप गुण क्या हो गया। ये अब ऐसी बात करिए जाए तो दो कई हजार किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया, मोदी जी क्या जग मार रहे हाँ जी, जग मार रहे नहीं, जग अच्छे काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो अंदर ही अंदर हो रहा है, किसी को वो अंदर ही अंदर हो रहा है ना, एक एक करके देखिए, एक एक करके अंदर ही अंदर हो रहा है, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन बीजेपी रोक तो नहीं पा रही ना, जब आएगा ना बाहर तब मालूम पड़ेगा मोदी जी ने क्या किया। चीन ने कब्जा कर लिया, क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या जग मार रहे हैं बताइए। किसी के सपने अडानी अंबानी चला रहे देश, क्या जग मार रहे हैं मोदी जी, खुद ने देश बेच दिया, क्या किया है देश भेज दिया, जनता क्या क्या है कि कैसा कौन सा देश बिका। हर पब्लिक पे कर्जा है, किस पे नहीं कर्जा ये बताओ, पहले क्या था, कुछ नहीं था, सब मिली। इन्होंने चाइना की बात उठाई और कह रहे अडानी अंबानी देश चला रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मोदी जी, कह दिया मोदी जी ने देश भेज दिया, इससे पहले नहीं था कुछ, नहीं आया कुछ राम मंदिर बनवाने के लिए, आज क्या कोई सोच सकता था, सपने में भी नहीं था, सपने में भी नहीं था जो वहाँ वो चीज उसने हकीकत कर दी हर चीज। उससे क्या फायदा होने वाला, हर आदमी को फायदा होगा, आने वाले टाइम में कभी राम पाकिस्तान गए थे, कोई नहीं गया, अब जा रहे हैं राम मंदिर, किसी ने देखा पाकिस्तान तो बहुत लोग गए, खुद मोदी भी गए थे पाकिस्तान, मोदी तो जाएगा, प्रधानमंत्री है देश का, उससे पहले भी और भी लोग पाकिस्तान पहले टीम में नहीं गए, कश्मीर जाने में लोग डरते थे, अब खुल के जाएंगे हिंदुस्तान के हर चीज के, नहीं ये हमारे कश्मीर जाने में लोग डरते थे। अमरनाथ यात्रा में गया था, पहली बार भी गया था, पहली बार भी गाड़ी में बम ब्लास्ट हो गया था, आप बच गए थे, एलडी रामावत मेरा फ्रैक्चर हो गया बोल में ज्वाइंट कर, अमरनाथ यात्रा पे आप गए थे पहली बार गया था मैं, आखिरी बार हमारी सरकार थी वसुंधरा राजे, यहाँ सीएम थी वसुंधरा, उस टाइम हम वहाँ गए थे 2006 में, तो आपके जाने में वसुंधरा जी का क्या योगदान था, नहीं वो बता, उस देश में उस वक्त हमको फैसिलिटी कुछ नहीं मिली थी वहाँ पर, कब गए थे आप 2006 में, मनमोहन की सरकार थी देश में, उस टाइम हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली थी, और अभी हम 2014 या 15 में गए थे हम वापिस, तो हमको हर चीज से आराम मिला, कोई चीज में तकलीफ नहीं आई थी, क्या आराम से बसें निकली आराम से, कोई आतंकवादी नहीं, कोई परेशानी नहीं, फौजी आराम से हमको ले गए, यात्रा करी एकदम, कोई हर चीज में आराम मिला हमको अमरनाथ यात्रा में। अभी 2019 में जाके आया हूँ मैं, बीते 3 सालों में भी घटनाएं जो है अमरनाथ यात्रा में, 2019 में 21 में जाके आया हूँ मैं, कोई एकदम एकदम मतलब जैसे कि अपन मैं जोधपुर में कैसे घूम रहा हूँ, वहाँ कश्मीर में घूम सकते हैं, पहले डर था, मिनट मिनट में लाल चौक में बम फोड़ते थे, बम हम डरते थे, हम एक ही होटल में रुके रात रहो तो को हम बाहर नहीं निकल सकते, हम हमारे घर वाले डरते थे कि तू जा रहा है क्या हो जाए क्या, लेकिन आज बेधड़क के अमरनाथ क्या हो जाए क्या जा। राजस्थान का जो मामला है, इन्होंने मंदिर की, आपने मंदिर की बात की, सपने में भी सोच सकता है क्या कोई, क्या फायदा होगा मंदिर से, फायदा क्यों जी नहीं, हर आदमी बंदा बिना बिना डर के बिना झंझट के जा सकता है आ सकता है, कहीं भी कभी भी मन चाहे कि हमारे राम मंदिर है, बाकी सपने में सोचते थे कभी कश्मीर जाएंगे, कभी कश्मीर जाएंगे, अब तो जा सकते हैं नहीं, बाकी तो कोई कश्मीर। मैं जो कहना चाह रहा हूँ दोस्त, आपका जो यहाँ पे इश्यू होगा, समस्या होगी, नौकरी होगी, किसी की नौकरी होगी, किसी का पढ़ाई होगी, किसी के अस्पताल होगी, राम मंदिर बनने से आपकी नौकरी, आपका अस्पताल, कोई नहीं, उस मंदिर से हमें क्या नौकरी, उस वो मंदिर वहाँ के लायक अच्छे हो जाएगी, वहाँ के लायक जो वहाँ के रहवासी है वो सोचेंगे कि नहीं हमारे लिए कुछ किया अच्छा, वो बिना डर झंझट के जी रहे होंगे। मंदिर के नाम पे अगर राजस्थान के चुनाव में वोट देंगे, मंदिर के नाम से नहीं दे रहा हूँ, वो जो बीजेपी सरकार कुछ काम अच्छे के, कांग्रेस सरकार में दंगे प्रसाद हर जगह चालू के, पेपर लीक वगैरह कुछ भी जो भी गंदे काम आज तो कांग्रेस सरकार करती हुई आई है। अभी अपने जालो गेट में दंगे हुए ना, जालो गेट पे दंगा हुआ, किसकी गलती थी, किसकी दंगा कराया जालोरी गेट पे, अशोक जी सर रिपोर्ट, कांग्रेस सरकार है जो सबको लेके चलती है, दंगा कराने वाली बीजेपी सरकार ही है, कांग्रेस सरकार सबको साथ में लेके चलती है, दंगा कराने वाली बीजेपी सरकार मत कह, पार्टी आप कह सकते, हाँ बीजेपी सरकार, हर कोई चाहे पार्टी कहे सरकार, समर्थन क्यों नहीं हुआ, जैसे अशोक जी कोई भी चीज में होते हैं वो समर्थन क्यों नहीं लेते, बात किस चीज का समर्थन, कोई भी
कैसा समर्थन का जो भी फैसला होता है उस वक्त अशोक जी मुंह चुप क्यों कर लेते हैं ये बताइए। मतलब नहीं समझा मैं कौन से विषय की बात है। हिंदू तो बात जालौर वाली बात कर रहे हैं तो देखिए आप लोग यहाँ के बाशिंदे जोधपुर वाली बात चल रही है। पिछले साल की जोधपुर वाली बात चल रही है। ईद का मौका था तब शेखावत जी ने झगड़ा करवाया था यहाँ पे रात को शांति से झगड़ा करवाया। कुछ चार पांच लड़का है जे सिया नाम के नारे लग रहे थे वहाँ पे तो आए मतलब वो झंडे वगैरह लगे होते हैं चौराहे सर्कल से हटवा दिए। तिरंगा झंडा था उसको भी हटवा दिया सर्कल से बाद में उन्होंने बीजेपी वालों ने कि हमारे झंडा लगेगा यहाँ पे। अच्छा तिरंगा भी हटवा दिया था। नहीं तिरंगा हटवाने वाले कौन थे भैया वो जो तिरंगा लगा हुआ वही हर साल तिरंगा लगा हुआ रहता है वो दूर से आए वो झंडा उखाड़ के अपना झंडा लगाने लगे लेकिन यहाँ ये कभी नहीं हो सकता कि जो झंडा वहाँ लगा हुआ है वो तो लगा हुआ रहेगा। अभी कौन सा झंडा है वहाँ वही वही देश का झंडा तिरंगा अभी तिरंगा ही है ना तिरंगा ही रहेगा झंडा लगा होता है ईद के दिन वहाँ पे जालौर के सर्कल पे ईद के दिन। तो इतने साल पहले नहीं लगा था ना इतने साल पहले कभी नहीं लगा था ना तो अब कैसे लगेगा इतने साल पहले कभी नहीं रहेगा तो अब कैसे लगेगा। मैं भाई ये भगवा झंडा जो लगाया गया ये किसने लगाया किसने नहीं लगवाया ये नेकरियों ने यहाँ के नेकरी है उन्होंने लगाया। नेकरी है मतलब मतलब वो दंगा प्रसाद वाले दंगा प्रसाद करा था ना वो अपने क्या नाम ये कैसे लड़ाई करवानी है झगड़ा कैसे वोट किस साइड में बटवाने हैं इसमें कौन सी पार्टी किस व्यक्ति का सरकार की याद है कैसे दंगा करवाना है लेकिन लेकिन भगवा झंडा लगाने वाला मिशन जो रहता है आप मई लेके आए अब आप किसके आदमी हो मैं क्या मालूम हम तो इंटरव्यू दे रहे हो आपको हम तो इंटरव्यू दे रहे हैं आप तो कांग्रेस को या बीजेपी को हमें मालूम नहीं है झगड़े करेंगे वो हम बीजेपी को या कांग्रेस को हमें मालूम नहीं है ना। अरे हम तो एक ही मुद्दा बना रहे हैं हम तो मीडिया से हैं वो जो कांग्रेस और बीजेपी उसकी रहेगी जो भी काम अच्छा करेंगे सरकार उसकी रहेगी। मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगा केवल अब देखिए एक एक करके सुनिए सुनिए एक एक करके एक एक मिनट सबसे बात करेंगे अपन ठीक है। किसी का क्रॉस आता है तो अकेले व्यक्ति करिए ठीक जो भी काम करेगा आप उसी पे वोट करेंगे नहीं काम नहीं जो भी अच्छा काम करेगा जो भी अच्छा कोई लड़ाने का कर रही है कोई झगड़ाने का कर रही है उसका समर्थन नहीं देगा जो अच्छा काम करेगी हर बार में कोई किसी से झगड़ा ना हिंदू ना मुस्लिम ऐसा तो बाहर तो हो ही रहा है यहाँ क्यों करवा रहे हो यहाँ कोई टाइम था कि यहाँ को भी कोई गलत काम बलात्कार वगैरह कोई केस नहीं थे हर अब आओ कहाँ से उठाओ कौन से एरिया में प्रताप नगर जाओ तो झगड़ा वगैरह बलात्कार वगैरह लड़की का छेड़छाड़ 8 बजे के बाद निकलो तो पर्स छीना छुरी झपट्टा मोबाइल वगैरह हर चीज़ क्राइम हुआ पहले कभी नहीं हुआ राज्य से काम कभी नहीं हुआ। अब ये देख लो कांग्रेस के राज में आए दिन झगड़ा अंदर अंदर कुछ कारनामे। खैर मैं आपको बताऊँ इसमें एक फैक्ट करेक्ट कर देता हूँ कि राजस्थान हमेशा से जातीय झगड़े और जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है उसमें शीर्ष राज्यों में शामिल रहा है ना। अब क्या हालत है अब क्या हालत है अभी वही है नहीं है राजस्थान में दिल्ली से ज्यादा क्राइम यहाँ हो रहा है दिल्ली से ज्यादा क्राइम यहाँ हो रहा है यहाँ लड़कियों सेफ नहीं है अपनी माँ बेटी 8 बजे के बाद कहीं निकल जाओ सेफ नहीं है सेफ नहीं है 8 बजे के बाद सेफ नहीं है साथ जाना पड़ता है फिर भी डर है कहीं अभी नहीं हुआ ये स्टूडेंट कहीं से आए तो स्टेशन पे और ये जेल के बाहर ही जेल के बाहर में बलात्कार हो गया बाहर लड़के को बांध के क्या सेफ है बताओ कहाँ पे सेफ है लड़की कहीं सेफ नहीं है लड़का लड़की कहीं भी सेफ सेफ कुछ नहीं है ठीक है। तो ये सेफ माहौल कैसे मिल सकता है तो अच्छी सरकार कौन हो सकती है अच्छी सरकार कोई भी हो ना सरकार सरकार तो कोई भी आ सकती है कांग्रेस भी आ सकती है बीजेपी आ सकती है समर्थन देने वाला होना चाहिए। मतलब आपका मन ये है कि कम से कम जो महिलाओं के मुद्दों पे बातचीत तो करे वो बीजेपी सरकार अच्छी करती है कभी नहीं हुआ क्राइम ये जो जब से ये आई है कांग्रेस सरकार क्राइम ज्यादा होने लगा। आप फिर मुद्दे की बात कर रहे थे आप पार्टी को बीच में लाए तो हमको सवाल पूछना पड़ेगा वो सवाल पूछते जब आप बीजेपी की बात करते कि महिलाओं के मुद्दों पे ठीक काम करती है तो आप न्यूज तो देखते हैं कश्मीर अमरनाथ की बात कर रहे थे आप लोग ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम जानते हैं कौन है वो नहीं मैंने सुना नहीं है महिला पहलवानों के बारे में जानते हैं मैंने अभी अशोक जी ने एक वो चलाया था महिला के चक्कर वो क्या चलाया था अभी महिला नहीं मैं जो कह रहा हूँ महिला पहलवानों ने आंदोलन किया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद उनका यौन शोषण करता है वो जंतर मंतर पे बैठी रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला जानते हैं आप इस बारे में नहीं मैं नहीं जानता इस बारे में नहीं सुना नहीं देश की खबरें नहीं पढ़ते नहीं सुना जो भी मैं आंखों देखी सच मानता हूं मैं आंखों देखी सच मानता हूं सुना सुनी मैं सच यकीन नहीं करता हूं जो भी मैं राजस्थान में रहता हूं जोधपुर में तो जोधपुर में जो देखता हूं वही कहता हूं
अब बाहर क्या हो रहा है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है तो गलत ही हो रहा है, कुछ गलत होता है तो गलत ही हो रहा है। जो यहाँ देखता हूँ यहाँ के माहौल, अब देखता हूँ ना बाहर घूमता हूँ, किसी के साथ बुरा होता तो बुरा होता, मुझे भी लगता है कि बुरा क्यों हुआ, सरकार नहीं है क्या, पुलिस नहीं है क्या, जो दारू वाले को इतना पकड़ पकड़ के कहीं से भी ढूंढ के ले आती है, और चोर खुलेआम घूम रहे, दारू वाले को ढूंढ के ले जाती है, गुब्बे वाले को ढूंढ के ले जाती है, जुए वाले को ढूंढ के घर से उठा के रात को ले आती है, तो चोर कहाँ गए? चोर को भी तो लाना चाहिए, तो तुम्हें मालूम है ना कि भाई कौन दो नंबर का क्या काम कर रहा है, सब मालूम होता है, क्यों नहीं उठा के ला रही है मालूम होता है ना। तो भाई दो वाले हेलमेट वाले को रोक देती है, दो अगले एक घर से कोई अर्जेंट काम में निकल जाता है एकदम रोक देती है, तो चोर खुलेआम घूम रहे हैं मार्केट में रात भर घूम रहे, उसको क्यों नहीं रोकते सरकार, उसको क्यों नहीं, मुद्दे की बात एक नहीं है। तो अब आपको लगता है इन मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जब आप पार्टी का नाम लेते हैं, कोई एक पार्टी कोई एक काम करेगी तो आपको उस पार्टी का पूरा वो देखना पड़ेगा, नहीं नहीं और काम भी देखना पड़ेगा कि वो बृजभूषण शरण सिंह किस पार्टी के हैं, वो कुछ बहरहाल बहरहाल ठीक है, वो मुद्दा होना ही चाहिए महिला सुरक्षा का। साहब यहीं से हैं आप? हाँ यहीं से हूँ मैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों पार्टी खराब है और जनता परेशान है, जनता परेशान है। यो है कि वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिसके कर रहे हो वो तो बैठे सीटों पे, और जनता परेशान हो रही है, गरीब परेशान हो रहे, कचरा दुनिया भर का पड़ा है, नगर निगम वाले कह रहे सफाई कर दी, क्या कर दी, खा कर दी क्या, तुम्हारे घर की सफाई कर रहे हो, और गली गली में गंदगी पड़ी है, बीमारी फैल रही है, उनको साफ करो। अभी इलेक्शन आ रहे हैं और आएंगे झुकेंगे, हाँ साहब हाँ साहब हाथ जोड़ेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तुम्हारी ऐसी की तैसी जाओ पड़े रहो। तो ये कोई सरकार है, ये कोई नेता है? नेता है तो सबकी देखो तो सही, किसके घर में क्या समस्या है, किस गरीब का बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, हैं? आज गरीब भी बच्चा है, कोई पढ़ेगा तो वकील भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, बनाओ तो सही है, आगे तो कदम तो उठाओ। लेकिन वो तो उनको क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, कोई पानी के लिए परेशान तो कोई बिजली के लिए परेशान, और गटर खुल रहे हैं, गटर का गंदा पानी जा रहा है, फ़ोन करते हैं हाँ आ रहे हैं, नगर निगम में बैठे कुर्सी पर आ रहे हैं, अरे क्या खा खा रहे हो क्या तुम, जनता निकल रही है गंदगी में से, गंदगी चारों तरफ हो रही है, तो ये कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं। राजस्थान में आपकी जो दो सबसे महत्वपूर्ण पार्टियाँ हैं वो कांग्रेस और बीजेपी है, आपने कहा दोनों खराब हैं। हाँ खराब, मेरे लिए तो खराब है, क्योंकि जनता परेशान तो सरकार खराब ही है। जो राजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख सकता हो, और राजा किस काम का, राजा तो है ही नहीं, राजा ये अभी पॉलिटिक्स में तो नेता है, पहले राजा अपनी प्रजा का ध्यान तो रखते थे कि किसके क्या क्या हो रहा है, किसके क्या नहीं है, किसके लगान लेते थे, कुछ भी लेते थे, लेकिन उनका ध्यान तो रखते थे। आज का जो नेता है वो प्रजा का ध्यान नहीं रख रहा है, बिल्कुल नहीं रख रहा है। प्रजा क्या करेगी, प्रजा क्या करेगी, प्रजा तो बेचारी हर नगर निगम की गाड़ी आती कचरेगी, क्या ध्यान रखो इलेक्शन आने वाले है, तुम्हारा हक है वोट देना, अरे जनता का हक तो है वोट देना, तो नेता लोग तुम्हारा भी तो हक है ध्यान रखना, तुम जनता का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो, नहीं जिम्मेदारी है ध्यान। हाँ तो जिम्मेदारी तो रखो ना, फिर नेता लोग क्यों नहीं रखते हैं, सीट मिलने के बाद में कोई नेता किसी का नहीं है, कोई पार्षद किसी का नहीं है, पार्षद घर पर जाओ कि साहब मेरे छोटा सा काम है, पापा घर भी नहीं है, कहीं गए हुए हैं, फलाना है डिमका, तो बोर्ड के टाइम पर तुम लेने आ जाते हो, जब तो हाथ जोड़ लेते हो पाँव में पड़ जाते हो, और आज थोड़े से साइन करवाने हैं तो आज कोई है ही नहीं, पार्षद ही नहीं है, वो वहाँ गया वो फलाना गया, तो ये ऐसे नहीं होता है, जनता का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, नेता वही होगा, इस सरकार जो चलाने वाला वही होगा जो जनता का ध्यान रखेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई ध्यान रखता ही नहीं है, नहीं रखता। ऐसे में आपके हिसाब से, क्योंकि आप बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं, आपके हिसाब से जनता को क्या करना चाहिए अपने लिए? जनता क्या करेगी बताओ मेरे को, जनता क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती जनता, जनता वो कुछ नहीं करा, आए पुलिस वाले उसको जबरदस्ती उठा के ले गए, अरे पूछो सर तूने करा क्या है, बेचारे ने क्या किया है, जो चोर है उसको तो पकड़ नहीं रही, जो बेकसूर है पुलिस उसको डाल देती है, और जेब में कितने पैसे है, 5,000 रुपये निकले करके 500 रुपये निकले, बाकी सब गायब, ऐसे ही चल रहा है, बिस्टवाड़ा चल रहा है, कुल मिला के बिस्टवाड़ा चल रहा है। आप क्या करते हैं? मैं कबाड़ी हूँ, और कबाड़े का माल भी ईमानदारी से खरीदता हूँ, बेईमानी से नहीं खरीदता हूँ, दाल रोटी मिले उसमें बढ़िया है, बेईमानी का जो खरीदो वो अस्पताल में जाता फिर सीधा। जनता मजबूर है, बिल्कुल जनता बेबस, जनता मजबूर है, भले जनता का काम, जनता का काम नहीं होगा तो बेचारी वो तो वोट देगी, देगी किसी को तो देना है, वो तो देगी, नहीं तो फिर सरकारी काम रुक जाएंगे उसके, और कोई पार्षद के पास जाएंगे तो वो बोले चलो ऐसे हो जाएगा।
ये है लोकतंत्र की जब परिभाषा हम पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में तो कहा जाता है लोगों का शासन है, लोगों के लिए शासन है और लोगों के द्वारा शासन है। लेकिन ये पूरा लोकतंत्र जो है वो चुनावों में तब्दील हो चुका है, जहाँ पर नेता राजा बन चुके हैं और वो भी ऐसे निरंकुश राजा जो जनता का ख्याल नहीं रखते। और ये बात कहने वाले ये जो शख्स है, आपका नाम क्या है सर? सत्यनारायण सिंह। सत्यनारायण सिंह जो है वो कबाड़ी का काम करते हैं और ईमानदारी से अपने काम को करते हैं। जब हमने पूछा अब आपको समाधान क्या लगता है, तो इन्होंने जो बात कही वो आप अगर सोचे तो दुखाने वाली बात है और बहुत सोचने वाली बात है कि जनता करे तो करेगी क्या, जनता तो मजबूर है। राजस्थान से जो चुनावों का पूरा माहौल है वो आपके सामने हम लाते रहेंगे। अब देखते रहें मॉलिटिक्स।